जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, पुष व्रत बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि गुरुवार का दिन गुरु बृहस्पति का होता है और गुरु बृहस्पति की कृपा से शादी विवाह संतान पुत्र की जो कामना है वो अवश्य पूरी होती है। उन्हीं की कृपा से दाम्पत्य जीवन में सुख मिलता है। तो आप इस दिन गुरु प्रदोष व्रत श्रेष्ठ है क्योंकि देखिए प्रदोष व्रत भगवान शंकर का माना जाता है और संतान पुत्र जो भी आपकी मनोकामना है अगर भगवान शंकर का प्रदोष व्रत में पूजन किया जाए तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो दोस्तों, गुरु प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले हम आपको ऐसे दो छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं जिसको करने से निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे संतान की है, धन की है, दाम्पत्य जीवन में अगर आप सुख चाहते हैं तो इस उपाय को अवश्य करें। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, जो गुरु बृहस्पति होते हैं वो देखिए पूरे 9 ग्रहों में सबसे प्रभावशाली और सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है और दाम्पत्य जीवन में यानी शादी विवाह हमारे जीवन में जितने भी सुख होते हैं वो गुरु बृहस्पति के कारण ही मिलता है। विशेष रूप से अगर संतान की कामना रखते हैं, पुत्र की कामना रखते हैं तो इन्हीं की कृपा से हमें वो प्राप्त होता है। तो इसीलिए आपको देखिए गुरु बृहस्पति का उपाय करना है, यानी आपको इस दिन पीले कपड़े, हो सके तो पीले कपड़े पहने और सुबह के समय, मतलब गुरुवार का दिन है तो केले की पूजा अवश्य करें। आप एक लोटे में थोड़ा सा मतलब जल लेकर, हल्दी लेकर और थोड़ा सा चने की दाल और गुड़ डालकर ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः कहते हुए केले पर जल अवश्य अर्पित करें। और साथ ही दोस्तों जो हम उपाय बता रहे हैं उसको भी आप अवश्य करें। दोस्तों, आपको एक हल्दी की गांठ लेनी है, उस पर या तो आप अगर देखिए अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई मतलब परेशानी आ रही है तो आप अपने ऊपर से, यानी अगर आपको संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है या किसी तरह की बंधन है, कोई रुकावट है, तो आप अपने ऊपर से, जो स्त्री है वो, चाहे वो लड़की है चाहे वो मतलब शादीशुदा है, वो अपने ऊपर से 7 बार उसको उसार कर और उस पर देखिए 7 बार आपको कलावा लपेटना है अपनी मनोकामना बोलकर। या तो सिर्फ आप कलावा लपेटें अपनी मनोकामना बोलकर और किसी भी मंदिर पे जाएं जहाँ पर मतलब केले का पेड़ हो, वहाँ पर सबसे पहले देखिए जल अर्पित करें ओम ब्रह्म बृहस्पति कहते हुए और वहाँ पर शुद्ध घी का दीपक जलाएँ और साथ ही जो आपको हल्दी की गांठ लेनी है वो अपने हाथ में रख लें और आपको मतलब गुरु बृहस्पति के किसी भी मंत्र का 21 या 11 बार उच्चारण करना है, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः या फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, ये मंत्र आपको देखिए स्क्रीन पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इसको आपको 11-21 बार बोलकर केले के पेड़ में उस हल्दी की गांठ को आपको दबा देना है। दोस्तों, ये उपाय तो आपको सुबह के समय करना है और सायंकाल के समय यानी सूर्यास्त के समय, प्रदोष काल के समय दोष व्रत है तो भगवान शंकर का पूजन अवश्य करना है। दोस्तों, अगर आपके पास केसर हो तो दूध में आप थोड़ा सा केसर डालकर ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो यकीन मानिए आपके दाम्पत्य जीवन में सुख शांति लौटेगी, आपके बीच में प्रेम बढ़ेगा, ये कर सकते हैं। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप शुद्ध जल में थोड़ा सा गुड़ घोलकर भी अगर आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में जो भी परेशानी है वो भी दूर होती है। दोस्तों, जो त्रयोदशी का व्रत होता है, देखिए प्रदोष व्रत वो 13 की संख्या का विशेष महत्व माना जाता है। अगर आप 13 की संख्या में अगर आप बेल पत्र अर्पित करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अगर दोस्तों आपको देखिए कनेर का जो पीले रंग का फूल होता है, क्योंकि देखिए गुरु प्रदोष व्रत है तो पीले रंग के अगर आपको कनेर के फूल मिल जाते हैं तो वो भी आप 13 की संख्या में अर्पित कर सकते हैं। या तो आप फूल अर्पित करें या फिर आप बेलपत्र, या दोनों ही कर सकते हैं क्योंकि देखिए संतान प्राप्ति के लिए और वो भी प्रदोष व्रत में, और गुरु प्रदोष व्रत है बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, तो आप पीले रंग का कनेर का फूल अवश्य अर्पित करें। भगवान शंकर से अपनी प्रार्थना अवश्य बोले, जो भी आपकी मनोकामना है संतान की है पुत्र की है वो अवश्य बोले और आप ओम नमः शिवाय कहते हुए चाहे आप बेलपत्र अर्पित करें चाहे आप कनेर का पीले रंग का फूल अर्पित करें, उस समय पर आपको ओम नमः शिवाय बोलकर ही अर्पित करना है। इस तरह से आप ये उपाय करें और भगवान शंकर का, माता पार्वती का पूजन करें, आरती करें, धूप दीप जलाकर प्रार्थना करें। दोस्तों, इस उपाय को आप अवश्य करें तो निश्चित ही आपको शीघ्र ही मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। गुरु प्रदोष व्रत के दिन दोस्तों आपको ये दोनों ही उपाय करना है। यकीन मानिए गुरु की कृपा से और भगवान शंकर की कृपा से आपको शीघ्र ही मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। जिनके भी देखिए शादी विवाह में रुकावट आ रही है तो वो भी इस उपाय को कर सकते हैं, जो मैंने गुरुवार का बोला है वो उपाय कर सकते हैं और भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें। बहुत ही शेष शुभ संयोग है और प्रदोष व्रत भगवान शंकर का माना जाता है। दोस्तों, आप ये दोनों ही उपाय करें, निश्चित ही आपको बहुत ही शीघ्र खुशखबरी अवश्य मिलेगी। दोस्तों,
दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।